नमस्कार, मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके में मौसम बदल गया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 12 घंटे से लगातार हम कह सकते हैं बादलों की धमाचौकड़ी शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ देश के दूसरे इलाकों की बात करें, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो या दूसरे अन्य इलाके, वहाँ पर भी मौसम करवट ले रहा है। आखिरकार मौसम की करवट के पीछे संकेत क्या हैं, क्या होने जा रहा है? क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है कि 11 तारीख को एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसकी वजह से मानसून बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो सैटेलाइट इमेजरी के जरिए हम आपको तमाम चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे देश के किन किन इलाकों में किस तरह का मौसम है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के बीच में पहुंच सके जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस समय का बुलेटिन। तो यहाँ पर हम आपको जो मैप दिखा रहे हैं, ये सैटेलाइट की ताज़ा इमेजरी है, यानी अभी अभी थोड़ी देर पहले की इमेजरी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लाउड कवर बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। ये इलाका हम कह सकते हैं कि जम्मू का इलाका है और साथ ही साथ पूरे के पूरे हिमाचल पे इम्पैक्ट दिख रहा है कि किस तरीके से बादल बढ़ गए यहाँ पर, यानी बादलों की आवाजाही बढ़ी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 12 घंटे से बादलों की धमाचौकड़ी चल रही है और एक बड़े इलाके में मौसम बदला है। यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हम कह सकते हैं लखनऊ के आसपास और पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में मौसम बदल गया है। प्रयागराज को लें तो वहाँ पर भी मौसम बदला रहा, बनारस को लेते हैं, वाराणसी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी मौसम बदला रहा, और बाकी इलाकों की बात करें, गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर में भी मौसम बदला रहा। बलिया, गोरखपुर, तमाम इलाके हैं जिनमें हम अगर बात करें तो मौसम एक अलग तरीके की करवट ले रहा है। और इसके पीछे जो वजह है कि मानसून बड़ी तेज़ी से इन इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ देखिए किस तरीके से एक्टिविटी तेज़ हो गई है। ये हम उड़ीसा को दिखा रहे हैं, उड़ीसा यानी उत्तरी उड़ीसा जिसके लिए वार्निंग दी गई है, वहाँ की ये स्थिति है। और इससे लगा हुआ अगर हम देखें तो ये झारखंड का इलाका है, झारखंड पे बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ भी देखिए क्या स्थिति हो चुकी है। भोपाल और आसपास की बात करते हैं मध्य प्रदेश में तो अलग ही नज़ारा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम विदर्भ की बात करें तो देखिए किस तरीके से मौसम एक अलग ही करवट ले रहा है। और इन सारे इलाकों की बात करते हैं, अगर मान लिया कोंकण गोवा की बात करें या मुंबई के आसपास, तो वहाँ पर मानसूनी हवाएं काफ़ी स्ट्रांग हैं, लगातार जो है तेज़ हवाएं चल रही हैं। और ये सारा का सारा जो बदलाव हुआ है किस वजह से हुआ है, इस समय क्या क्या चल रहा है, चलिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। इस समय देखिए बिजली कितना तेज़ी से कड़क रही है। ये देखिए, ये जम्मू और पंजाब का वो इलाका जो हिमाचल से लगा हुआ है और हिमाचल का वो इलाका जो पंजाब और जम्मू से लगा हुआ है, देखिए किस तरीके से मौसम ज़बरदस्त तरीके से बदला है। और मौसम विभाग ने यहाँ थंडर स्टॉर्म की चेतावनी दी थी, कई जगहों पर बिजली गिर सकती है, बिजली कड़क रही है, आसमान में ज़ोरदार गड़गड़ाहट हो रही है इन सभी इलाकों में। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अगर भोपाल और आसपास के इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी बादलों की गड़गड़ाहट के साथ एक्टिविटी जारी है। और झारखंड की बात करें तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं लाइटनिंग की ज़बरदस्त इवेंट्स चल रही हैं इस वक्त। और ये जो स्थिति है ये लगातार बदलती हुई स्थिति है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, विदर्भ का इलाका हो, या हम कह सकते हैं तेलंगाना हो, उसमें भी हम कह सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से बिजली कड़क रही है। लेकिन इस समय जो अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुआ है अगर तो उसकी बात करें तो जम्मू और हिमाचल के तमाम इलाकों में मौसम बदला है। और मौसम बदलने के पीछे जो वजह बताई जा रही है, वजह है मानसून की हवाएं। जो मानसून की हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं एक इलाके से आकर दूसरे इलाके में पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हो रही है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, या बिहार की बात करते हैं, या झारखंड की बात करते हैं, तो अभी वहाँ पर जो हो रहा है उसको प्री मानसून एक्टिविटी कहते हैं, क्योंकि इन इलाकों में भी मानसून पहुँचा नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल और आसपास के इलाकों में जो हो रहा है वो भी प्री मानसून एक्टिविटी है। आखिरकार इतनी ज़्यादा गड़गड़ाहट क्यों, बादलों में इतना ज़्यादा जो है बिजली कैसे, किस वजह से हो रहा है ये, तो आपको हम बताते हैं क्यों हो रहा है। दरअसल जब बिजली कड़कती है तो उसके पीछे वजह होती है कि बादलों में आपस का घर्षण या हवाओं में टकराव,
जिसकी वजह से स्टैटिक करंट पैदा होती है और वो बिजली जब आसमान में हम कह सकते हैं कि करोड़ों करोड़ यानी वोल्ट का करंट पैदा हो जाता है तो उसके बाद वो धरती की तरफ चलता है बड़ी तेज़ी से, क्योंकि धरती को अगर हम देखें तो न्यूट्रल है एकदम, इस पर वहाँ से सीधा सीधा जो बिजली गिरती है वो धरती की तरफ चलती है। तो ये स्थिति बनती है और इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, आइए आपको हम दिखाते हैं इस समय किस तरीके की हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ ये भारत का वो चित्र है जिसको आप देखें तो लगेगा अरे ये क्या चल रहा है, इधर से कुछ जा रहा है, इधर से कुछ जा रहा है, लेकिन इसमें जो हवा चल रही है अगर आप उसको देखेंगे तो ये सरफेस विंड दिखा रहा है, यानी सतह से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो हवाएं चल रही हैं उसको दिखा रहा है। यहाँ पर हम आपको बता दें ये मानसूनी हवाएं हैं अरब सागर से चलती हुई, कहाँ जा रही हैं ये पाकिस्तान में भी घुस रही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कच्छ में जा रही हैं, सौराष्ट्र में जा रही हैं और उसके बाद ये उत्तर भारत में पहुँच रही हैं। ये देखिए उत्तर भारत में पहुँच रही हैं, ये यहाँ तक आती हैं, उसके बाद देखिए मुड़ रही हैं, ये देखिए मुड़ रही हैं एकदम। अब ये क्यों मुड़ रही हैं, क्योंकि सामने से दूसरी हवाएं आ रही हैं, ये देखिए, और ये हवाओं की रफ्तार अगर आप देखेंगे ज़्यादा है, तेज हवाएं चल रही हैं और ये हवाएं थोड़ा स्लो चल रही हैं। अब ये स्लो क्यों चल रही हैं और ये तेज क्यों चल रही हैं अगर इसके पीछे आप सोचेंगे तो यहाँ पर मानसून की जो ये हवाएं आ रही हैं ये विषुवत रेखा से आ रही हैं और चूँकि समंदर से आ रही हैं और बड़ी तेज़ी से इस सूखे इलाके में जा रही हैं, मतलब थार का जो रेगिस्तान है या पाकिस्तान का जो इलाका है या हम कह सकते हैं जो इलाका राजस्थान का है वो गर्म है इस वक्त, तो वहाँ पर ये हवाएं बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और आगे जाकर ये हम कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत के आसपास आकर दो हवाओं का आपस में टकराव हो रहा है। ये इस टकराव को आप बड़े आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर। अब दूसरी तरफ चलते हैं, ये देखिए ये कोंकण गोवा मुंबई में जो हवाएं जा रही हैं ये मानसून की हवाएं, और ये देखिए किस तरीके से ये बड़ी तेज़ी से मुड़ती हुई यहाँ पर पहुँच रही हैं। जो हवाएं कोंकण गोवा के या मुंबई तक जा रही हैं वो यहाँ पर बरस जा रही हैं, क्योंकि वेस्टर्न घाट ऊंचा है, पहाड़ियाँ हैं, ऊंचा इलाका है, जब वो बरस जाती हैं उसके बाद वो हल्की हो जाती हैं तो फिर यहाँ पर वापस चलती हैं और वापस चल के कुछ हवाएं क्या कर रही हैं बंगाल की खाड़ी में जा रही हैं और वापस ये मुड़ती हैं और यहाँ पहुँच रही हैं, कुछ हवाएँ यहीं से मुड़ती चली जा रही हैं देखिए। और यहाँ पर क्या है ये देखिए सर्कुलेशन बन रहा है, यानी इधर से जो हवा आ रही है वो आ रही है और इधर से तेज़ हवाएं आ रही हैं और इनका आपस में टकराव हो रहा है, ये फ्रंट बना हुआ है पूरा का पूरा और ये जम्मू कश्मीर का इलाका है और उसके बाद हिमाचल का इलाका है और ये देखिए ये उत्तर प्रदेश के ऊपर आ जाता है और यहाँ वेदर एक्टिविटी है, ज़बरदस्त वेदर एक्टिविटी है। इसी तरीके से भोपाल के आसपास हम कह सकते हैं ये एक्टिविटी बन रही है। और होता क्या है, दरअसल जब इस तरीके की कोई एक्टिविटी चल रही होती है जिसमें गर्म हवाएँ और साथ में दोनों नम है, यानी गर्म हवा अगर हम कहें कि पश्चिम से जो आ रही है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, उसका तापमान ज़्यादा है, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, यानी ज़्यादा नमी लेकर वो ऊपर तक जा रही है, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी से हवा आ रही है वो ठंडी है, वो पुरवैया हवा है, क्योंकि पुरवैया की जब हम बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम के जो मैदानी इलाके हैं उन सब जगह में ये कहावत है कि पुरवैया चल गई है, मतलब मानसून आने वाला है, तो पुरवैया चल चुकी है और पुरवैया हवाएं हम कह सकते हैं सतह से या ज़मीन से 2-2.5 किलोमीटर ऊंचाई रहती है उनकी और उसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है। जब दोनों फ्रंट आपस में टकराते हैं, आपस में टकरा रहे हैं तो ये गर्म हवा है और ये ठंडी है, तो ये क्या करेंगे आपस में घर्षण होगा, इस तरीके से घर्षण हो रहा है इन हवाओं में और घर्षण होने का रिजल्ट क्या रहता है कि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं और बादलों के अंदर बिजली इकट्ठा हो जाती है, स्टैटिक करंट इकट्ठा हो जाती है और इसी वजह से हम कह सकते हैं मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, थंडर स्टॉर्म की चेतावनी दी है। जब दो फ्रंट आपस में टकरा रहे होते हैं हवाओं के, गर्म और ठंडे, और ख़ास तौर पर मानसून सीजन की अगर हम बात करते हैं तो वो आपस में टकरा कर एक अलग तरीके का वेदर पैदा करते हैं, गड़गड़ाहट होती है ज़बरदस्त तरीके से, एकदम अचानक बादल पैदा हो जाते हैं, वहीं उत्तर पश्चिम भारत में हो रहा है। तो यहाँ पर इन सभी जगहों के लिए चेतावनी है, एक बड़े इलाके के लिए चेतावनी है और ये मैप इसीलिए हमने आपको दिखाया जिससे आप समझ पाएँ कि आखिरकार ये गड़गड़ाहट वाला किस्सा क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो यहाँ पर ये स्थिति आगे भी जारी रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगर हम 11 तारीख की बात करें, ये 11 तारीख का हम आपको मैप दिखा रहे हैं तो इसमें तमाम चीज़ें हैं। चलिए यहाँ पर उड़ीसा के लिए कहा गया है हैवी रेन्स स्ट्रांग सरफेस विंड, ये 11 तारीख को होगा और
यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी वहीं, यानी रेड वार्निंग है दोनों के लिए, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, हैवी बारिश हो सकती है, ज़बरदस्त बारिश। अगर हम झारखंड की बात करें, वहाँ गड़गड़ाहट होगी, पानी गिरेगा ज़बरदस्त तरीके से। बिहार में वहाँ पर भी ये स्थिति है। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसकी वजह से पूरा मौसम बदल जाएगा। और ये जो एक्टिविटी है, देखिए विदर्भ में भी रहेगी हैवी रेन थंडर स्टार, फिर आप आ जाइए मध्य प्रदेश में, वहाँ पर भी रहेगी, और वेस्ट मध्य प्रदेश में जाएंगे वहाँ पर भी रहेगी एक्टिविटी, मध्य महाराष्ट्र की बात करें वहाँ पर भी रहेगी, और गुजरात रीजन में सिर्फ हवाएं चलेंगी और दक्षिणी गुजरात में बारिश का सिलसिला रहेगा। सौराष्ट्र और कच्छ में स्ट्रांग सरफेस विंड है। और राजस्थान की बात करेंगे तो वहाँ हीटवेव की स्थिति रहेगी, क्योंकि वहाँ गर्मी से निजात अभी फिलहाल मिलती नज़र नहीं आ रही। पंजाब की बात करें तो तेज़ हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश का अंदेशा है। पंजाब के बाद हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भी यही स्थिति रहेगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कहें तो यहाँ कहने ही क्या, हैवी रेन की बात कही जा रही है, मतलब गर्मी से निजात है एकदम, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, स्ट्रांग सरफेस विंड। फिर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी यही स्थिति रहेगी। उत्तराखंड के लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भारी बारिश हो सकती है, ये मौसम विभाग का कहना है। बिहार में भी थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, स्ट्रांग सरफेस विंड, और गंगेटिक वेस्ट बंगाल में भी यही स्थिति रहेगी। तो ये एक अलग तरीके का मौसम है, क्योंकि 11 तारीख को एक, हम कह सकते हैं कि एक सिस्टम बन रहा है, एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके बाद ये मौसम और इंटेंस हो जाएगा, ज़बरदस्त हो जाएगा। अभी की अगर हम बात करते हैं तो अभी ये एक्टिविटी जारी रहेगी, अभी अगले 12 से 24 घंटे इसी तरीके से थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी, जगह जगह लाइटनिंग रहेगी। लेकिन इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नदियों के पास ना जाएं, तालाब में ना जाएं, किसी ऐसी जगह तैरने ना लगें, एकदम बादल हैं तो आप तैरने लगे जाके, तो आप सावधान हो जाइए। और खुले में ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है, खुले में खड़े हैं एकदम, पेड़ के नीचे चले गए, पेड़ पर बिजली बहुत गिरती है। अगर अपनी आपको जान बचानी है, कोई इस तरीके की ज़्यादा गड़गड़ाहट हो रही है, तो घर में रहिए, ऐसी जगह पर रहिए जो सुरक्षित हो, जिससे आप आसमानी बिजली से का शिकार ना हो सकें। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।